success mantra we shape future good morning everyone my name is abhay singh and i welcome you all in today's video analysis of the hindu so today is 29th of march 2024 and so what are the important uh, day that we celebrate on 29th of march is so the important day is that today is world piano day no, nothing important just a day

month high of 6.7% in february led by double digit uh, upsticks in coal natural gases and cement even as fertilizers production fell 9.5% रिकॉर्ड द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन सिंस मे 2021 तो ये इंडिया के जो आठ कोर सेक्टर हैं उनकी जो आउटपुट ग्रोथ है ये बेसिकली आर्टिकल पूरा उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो आठ कोर सेक्टर कौन कौन से हैं स्टील प्रोडक्शन ऑयल प्रोडक्शन क्रूड नेचुरल गैसेस सीमेंट फर्टिलाइजर्स सो ये अलग अलग जो कोर सेक्टर होते हैं इकॉनॉमी के ये आठ जो इंडिया के इकोनॉमी के कोर सेक्टर हैं इनमें इनमें इनके जो प्रोडक्शन या इनके आउटपुट ग्रोथ में जो चेंजेज़ आए हैं ये आर्टिकल बेसिकली उसी की बात कर रहा था इस आर्टिकल में इससे ज़्यादा जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है क्योंकि ये कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो हर क्वार्टर में आया जिनके फिगर्स हर हाफ ईयरली या क्वार्टरली या एनुअली चेंज होते रहते हैं ठीक है तो इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आपको क, देखने को नहीं मिलते हैं इसका मेन रीज़न यही है ये, कि ये डेटा जो है ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फ़ॉर द डे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेलिवेंट न्यूज़ हेडलाइन फ़ॉर द डे विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज वेल तो बेंगलुरु कैफ़े ब्लास्ट जो हुआ था उसमें एन ने जो उसका सस्पेक्ट्स uh, थे उसमें से एक को अरेस्ट uh, कर लिया है तो ये एक न्यूज़ है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है फिर आप लोगों को मैं आज एक चीज बता देना चाहूँगा इस वीडियो में कि आप लोगों को कैसे ये आइडेंटिफाई करना है आप लोग कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी एक न्यूज़ आर्टिकल को देख करके कि आर्टिकल जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये पॉलिटिकल है या नहीं है या इसकी रिलेवेंस हमारे लिए कितनी है तो जैसे कुछ कुछ कीवर्ड होते हैं वो आप लोगों को देखने पड़ेंगे आर्टिकल uh, के टाइटल में या आर्टिकल का जो मेन हेडिंग uh, होता है उसमें देखना पड़ेंगे जैसे कुछ कुछ वो कीवर्ड्स के हैं जैसे बीजेपी आप हो गया ये कैंडिडेट्स हो गए जैसे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है जैसे एक uh, ये हो गया uh, बीजेपी मूव टू फील्ड नवनीत राना ये सब सारी जो न्यूज़ हैं ये आपको याद रखनी है कैसे कि अगर कोई भी आ, किसी पार्टी का नाम रहता है किसी आर्टिकल के टाइटल में या सीट शेयरिंग को लेकर के कोई चीज़ होती है या अलायंस को लेकर के कोई चीज़ होती है या कोलेशन को लेकर के कोई चीज़ होती है अगर इस तरीके के की, की वर्ड आप लोगों को टाइटल में देखने के मिलते हैं आर्टिकल के तो इसका सीधा सा मतलब एक ये होगा कि वो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है और उसकी रेलेवेंस कुछ नहीं है हमारे लिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ या इन सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के रेलेवेंस सिर्फ इलेक्शन तक है उसके बाद इनकी कोई रिलेवेंस नहीं है तो इसलिए हम इन सभी आर्टिकल्स को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सो दिस इज वन न्यूज केरला टू रिप्लाई टू ईसी नोटिस ओवर एन टी सी ए प्रोटेस्ट केसेस सो वॉट हैपेंड इन केरला इज दैट द इलेक्शन कमीशन हैज इशूड नोटिस टू द केरला गवर्नमेंट तो ये नोटिस केरला गवर्नमेंट को इशू क्यों कि, किया गया है सो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली जो है वो इसलिए इशू किया गया है कि अभी कुछ दिन पहले एक रैली uh, uh, में कही वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया था टू विदड्रॉ द केसेज बुकड टू विदड्रॉ द केसेज बुकड इन कनेक्शन विद एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट प्रोटेस्ट इन केरला तो जो सी ए के प्रोटेस्ट चल रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट चल रहे थे केरला में उस प्रोटेस्ट के टाइम पे कुछ लोगों का अरेस्ट हुआ था तो उन लोगों को जब अरेस्ट हुआ था तो उन पर चार्जेस भी प्रेस किए गए थे तो केरला गवर्नमेंट ने अभी क्या किया था कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि जो केसेज जिन लोगों पर रजिस्टर किए गए हैं वो केसेस विदड्रॉ कर लिए जाएंगे तो इसी इसी कॉन्टेक्स में इलेक्शन कमीशन जो है केरला गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू कर रहा है क्या जो ये अनाउंसमेंट है द अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द विद्रोल ऑफ केसेस जो विद्रोल ऑफ केसेस से अनाउंसमेंट है इज इट ऑफ़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या ये जो अनाउंसमेंट किया गया है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है इस चीज से जुड़ा हुआ नोटिस जो है इलेक्शन कमीशन ने केरला गवर्नमेंट को इशू किया है कि ऐसा जो अनाउंसमेंट है uh, कि सी ए के जो प्रोटेस्ट के टाइम पे लोगों को अरेस्ट किया गया था ज इट वॉल्यूशन ऑफ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट इसी को लेकर के और ऐसे क्यों किया गया था तो इसको मार्च थर्टीएथ यानी कल केरला गवर्नमेंट इस पर अपना रिप्लाई भी फाइल करेगी सो द मूविंग So, the next important news is related to the POXO Act and JJ Act. So, what is this news? Uh, the Kerala High Court has held that a child charged with the offenses under the protection of chi children from sexual offenses, POXO Act 2012, is to be prosecuted as per the provisions of Juvenile Justice Care and Protection of Children, JJ Act. So, what happened? जिन बच्चों को पॉक्सो के अंडर में चार्ज किया गया उनका प्रोसिक्यूशन जो होगा वो जे जे एक्ट के अंडर में होगा ऐसा किसने कहा है ऐसा केरला हाई कोर्ट ने कहा या केरला केरला गवर्नमेंट या केरला हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें यही है कि जिन लोगों को चार्ज किया गया है जिन बच्चों पे या जिन ऑफेंडर्स पे ये चार्ज प्रेस किए गए हैं पॉक्सो एक्ट के अंडर में उनका जो प्रोसिक्यूशन होगा वो किसके हिसाब से होगा वो जे जे एक्ट के अकॉर्डिंग होगा ठीक है तो ये न्यूज आप लोगों को याद रखनी है और अगली जो न्यूज है वो स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो न्यूज क्या है उसके पहले हम लोग टाइटल की तरफ देखते हैं स्काई रूट एयर स्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्टेज टू ऑफ विक्रम वन लॉन्च व्हीकल इन आंध्र प्रदेश स्काई रूट है क्या पहले स्काई रूट एयर स्पेस जो है वो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग स्पेस टेक कंपनी है स्पेस टेक फर्म है जो प्राइवेटली जैसे यूएसए वगैरह में uh, की जो है, वो काम कर रही है। वैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा तो स्कई रूट एयेस ने अभी ना अपने विक्रम वन लॉन्च व्हीकल का जो स्टेज टू है उसका टेस्ट फायर किया है और इसका जो स्टेज टू है स्टेज टू का टाइटल क्या है तो स्टेज टू का टाइटल है कलाम टू फिफ्टी ठीक है तो आप लोगों को ये नाम याद रखना है कि स्टेज टू का आ, जो नाम था वो क्या था वो कलाम टू फिफ्टी तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है और जो ये विक्रम वन है ना जो विक्रम वन का लॉन्च है दिस विल बी कंट्रीज़ फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च तो इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्यों क्योंकि अगर ऐसा मतलब ये तो अभी एक स्टेज ये लॉन्च व्हीकल का अभी एक स्टेज टेस्ट हो रहा था तो इसका सेकेंड स्टेज था और सेकेंड स्टेज का नाम था कलाम 250 जब ये फाइनली सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा तो ये कंट्री का पहला ऑर्बिटल प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च होगा किस कंपनी के द्वारा स्काई रूट एयरोस्पेस स्टेज टू के और टेस्ट का नाम क्या था कलाम 250 तो ये तीन चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि ऑन द सक्सेसफुल ऑन द ऑन द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हीकल विक्रम वन इट विल बिकम द कंट्रीज़ फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च एंड द नेम ऑफ स्टेज टू टेस्ट इज कलाम 250 इसको लॉन्च कहाँ किया से किया गया था तो इसरो इस की जो एक साइट है सतीश धवन स्पेस uh, सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में वहाँ से लॉन्च किया गया था ठीक है तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे तो अभी मैंने हम लोग दो तीन दिन से ये न्यूज़ कॉन्टीन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में इंटरनली जो इंडिया के अभी अफेयर्स चल रहे हैं जो पॉलिटिकल मैटर्स चल रहे हैं उसमें जो यूएसए का इन्वॉल्वमेंट है वो कॉन्टीन्यूअसली बढ़ता जा रहा है इसी के बीच में क्या हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले जब ई ने केजरीवाल का अरेस्ट किया था तो उस अरेस्ट के बाद से यूएस US ने यूएसए का एक स्टेटमेंट आया था कि दैट वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग कि वहाँ पे हो क्या रहा है मतलब चीज़ें बहुत ही फेयर तरीके से हो रही है जुडिशली करेक्ट वे में हो रही हैं या नहीं तो ये सारी चीज़ें जो थी ये यू का एक स्टेटमेंट आया था उन्होंने उसमें इस स्टेटमेंट में कहा था उसके बाद फिर एक इंडिया का भी स्टेटमेंट आया था इंडिया का स्टेटमेंट ये था कि हमें कभी भी किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में या कुछ भी चीज़ें जो हो रही हैं उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था और हमें दूसरे कंट्री की सोवरेनिटी को थोड़ा सा उसकी जो है वो रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा द सोवरेनिटी ऑफ अ डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट ठीक है फिर उस स्टेटमेंट के बाद से इंडिया इंडिया ने आ, इंडिया ने जो वहां के जस्ट मोमेंट तो फिर वहां की जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन है एक्टिंग डेप्यूटी ऑफ चीफ ऑफ मिशन है जो ग्लोरिया बर्बेना ये यूएसए के एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है इनको फिर इंडिया ने समन भी किया गया था फिर इनसे एक्सप्लेनेशंस मांगे गए थे मैंने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स ने इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनको समन किया था और इनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया था कि ऐसा क्यों है कि हमारे जो इंटरनल पॉलिसी मैटर्स हैं या इंटरनल मैटर्स जो हमारे हैं उसमें एक दूसरी सोवेन कंट्री एक किसी और सोवेन कंट्री में के मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रही है तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है सो दिस न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल फिर भी इस पर एक नज़र घुमा लेते हैं कि बहुत टाइम से एक जेल्ड पॉलिटिशियन उत्तर प्रदेश के थे पॉलिटिशियन कम गैंगस्टर या गैंगस्टर कम पॉलिटिशियन जो थे और उनकी जो है वो डेथ हो गई है इनका नाम था मुख्तार अंसारी इस न्यूज़ की कोई भी रिलेवेंस नहीं है बस इस न्यूज़ को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी टाइम से मतलब कभी कभी ये बीच बीच में उठ के आती थी ये न्यूज़ तो अभी इस गैंगस्टर कम पॉलिटिशियन की जब डेथ हुई है इस वजह से हम इस न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं नाउ मूविंग ऑन टू दिस सम रेलेवेंट न्यूज़ आज के जो एक रेलेवेंट न्यूज़ है गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आफ्सपा इन पार्ट्स ऑफ नागालैंड अरुणाचल प्रदेश तो हुआ क्या है कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ एक्सटेंडेड द आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्सपा इन पार्ट ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश फॉर अनादर सिक्स मंथ्स ठीक है तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड नागालैंड के कुछ एरियाज में अभी जो आफ्सपा है उसको uh, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ में छः महीने के लिए फिर से इम्पोज कर दिया गया है अब ये लगा कहाँ कहाँ पे तो एज़ पर द नोटिफिकेशन द आप्सपा हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन द होल ऑफ़ एट डिस्ट्रिक्ट एंड ट्वेंटी वन पुलिस स्टेशन इन फाइव अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड तो नागालैंड तो कंप्लीटली पूरा कवर हो गया है इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन थ्री डिस्ट्रिक्स एंड एरियाज़ फॉलिंग अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ थ्री पुलिस स्टेशन इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट तो अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली ये थ्री डिस्ट्रिक्ट में और एक वहाँ का पुलिस वहाँ का एक और डिस्ट्रिक्ट है नामसाई डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर के कुछ तीन पुलिस स्टेशन हैं उस पूरे एरिया में आफ्सपा को फिर से एक्सटेंड किया गया है अब आफसपा का जो ये हुआ है ये अंडर सेक्शन थ्री ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट सेक्शन थ्री ऑफ दिस एक्ट और ये छः महीने के लिए रहेगा और ये छः महीने का पीरियड स्टार्ट कब से होगा फर्स्ट ऑफ अप्रैल से ठीक है सो दिस प्रोक्लेमेशन टू एक्सटेंड द आफ्सपा ये किसके अंडर में इशू किया था सेक्शन थ्री ऑफ द सेम एक्ट ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में जो आफ्सपा था उसका उसको जो है वो फिर से इम्पोज किया गया है अंडर सेक्शन थ्री ऑफ द सेम एक्ट और ये कब तक रहने वाला है ये छह महीने से रहने वाला छह महीने तक रहने वाला है और ये पीरियड स्टार्ट कब से होगा तो ये छह महीने का जो पीरियड है ये फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा फिर जैसे आप लोग देख रहे हैं मैंने पॉलिटिकल न्यूज का जैसे आप लोग को बताया था ठीक है अब ये चीज आप लोग इन वर्ड्स पे फोकस करिएगा हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो कुछ की हैं जो पॉलिटिकल या इलेक्टोरल प्रोसेस से जो जुड़े हुए होते हैं जैसे कैंडिडेट इलेक्शन सीट्स अलायंस ये सारी चीज़ें जो होती हैं या दूसरे पार्टी में जाना ये सारी चीज़ें जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं इन कीवर्ड्स को देख करके ही हम बेसिकली समझते हैं कि कौन सी न्यूज़ पॉलिटिकल है कौन सी पॉलिटिकल नहीं है और पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग एकदम छोड़ते हुए स्किप करते हुए आगे बढ़ते हुए चलते हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट टी एन सी सी चीफ बीजेपी तो ये सारी ही सारी सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेड लाइन फॉर द डे सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन फॉर द डे इज दैट इन यूक्रेन के जो फॉरन मिनिस्टर थे डिमिट्रो कुलेबा डिमिट्रो कुलेबा ये अभी इंडिया के इंडिया को ये विजिट कर रहे हैं तो इन इन्होंने जो इंडिया के विजिट इनकी स्टार्ट कब से हुई है थर्सडे यानी ट्वेंटी एट ऑफ मार्च से इनकी ये विजिट स्टार्ट हुई है ठीक है अब इस विजिट को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि इस विजिट में जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव था या मेन जो रीज़न uh, था इस विजिट के पीछे का वो देख लेते हैं तो यू यूक्रेन के जो फॉरन मिनिस्टर आए हैं दिमित्रो कुलेबा इनका जो बेसिक एक रीज़न माना जाता है इंडिया में आने के लिए वो ये है कि एक पीस uh, सबमिट हो रहा है स्विट्ज़रलैंड में और ये पीस समिट जो हो रहा है बेसिकली ये पूरा जो यूक्रेन और रशिया में अभी वॉर चल रहा है इस चीज़ को लेकर के ही ये पूरा जो पीस सब्मिट है इसको ऑर्गेनाइज uh, करवाया जा रहा है इस बार समर में ये हो रहा है ठीक है अब क्या है कि अब ऐसे कंडीशन में जैसे यूक्रेन को अभी बहुत सारा मतलब वॉर में है ये यूक्रेन इज़ ऑलरेडी इन अ वॉर तो अभी ये क्या कर रहा है कि अभी इस इंडिया में जो इनके विजिट हुए इसमें यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी इनसे एक रिक्वेस्ट किया गया है एक या एक एक्सपेक्टेशन इनसे यह है कि एक एज अ मीडिएटर का काम करेंगे बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन ऐसा क्यों क्योंकि इंडिया के जो टाइज हैं वो रशिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं तो इसलिए एक ऐसा भी चीज़ माना जा रहा है कि इंडिया को एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा टू एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन तो जब ये चीज़ होगी तो इसके इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा वाइड होने वाला है ठीक है तो इस वजह से भी इनकी जो ये विज़िट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ठीक है और इससे ज़्यादा इस पूरे विजिट में मतलब इनके और विजिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव और कोई चीज़ थी एज़ ऑफ नो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ उभर के नहीं आई है एक इकलौती चीज़ जो अभी तक तो उभर के सामने आ रही है वो ये है कि इनकी जो आ, पूरी विजिट है वो सिर्फ ये इसी चीज़ पे फोकस्ड है कि इस बार के समर में जो पीस सबमिट होने वाला है स्विट्ज़रलैंड में वहाँ पर इंडिया जो है वो एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे टू एक्ट एज़ अ मीडिएटर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इस पूरे वॉर को पैसिफाई करने के लिए ठीक है तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन थी इसको हम लोगों ने कवर किया है ये थोड़ा मतलब अब इसके बाद हम लोग आगे की जो न्यूज़ हेडलाइंस हैं उनके तरफ हम बढ़ेंगे तो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फैक्ट निकल के सामने आया है हाउस होल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वेस्ट वन बिलियन मील्स अ डे मतलब वी आर वेस्टिंग वी आर वेस्टिंग वी आर वेस्टिंग क्लोज टू वन बिलियन मील्स एवरी डे दैट मीन्स इन टोटो इन अ पर्टिकुलर ईयर वी आर वी आर ऑलमोस्ट वेस्टिंग थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव बिलियन मील्स अ ईयर तो और उसके बावजूद जैसे ये जो मील्स हैं इसका इम्पैक्ट क्या क्या इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी क्योंकि जो फूड शॉर्टेज है वो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इसका प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो फूड शॉर्टेज है वो एक मेजर इशू है और इसी वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं एस भी जिनको कहते हैं उनके अंडर भी ये जो फूड वेस्टेज से जुड़ी हुई चीज़ है इसको हाफ करने का टारगेट कब तक सेट किया गया है कि बाई 2030 इस जो फूड वेस्टेज है इसका रिडक्शन जो है इसको 50 परसेंट रिड्यूस कर देना है ठीक है अब जो अलग अलग सेक्टर्स हैं किस सेक्टर्स के फूड किस सेक्टर से कितना मतलब कितना फूड वेस्ट हो रहा है तो जो सिक्सटी परसेंट फूड है वो हाउस होल्ड लेवल पे वेस्ट होता है यानी आउट ऑफ लाइक हंड्रेड बिलियन मील्स जो ये डेली वन बिलियन मील्स जो ये डेली वेस्ट हो रही हैं इसमें से वन बिलियन सौ करोड़ तो सौ करोड़ में से सिक्सटी परसेंट तो जो है साठ करोड़ जो है हाउस होल्ड की तरफ से मतलब वेस्ट हो रही है ट्वेंटी एट परसेंट फूड सर्विसेज अब फूड सर्विसेज क्या हो गई जैसे जो तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और फिर 12 परसेंट रिटेल का कंट्रीब्यूशन है तो सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग फैक्ट है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो हाउस होल्ड्स का है वो 60 परसेंट है तो इसको कम करने में थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना पड़ेगा और बेस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस न्यूज़ आर्टिकल से जुड़ी हुई है वो ये कि इस न्यूज़ या इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्रिपेयर किसने किया था रिलीज़ किसने किया था तो जो तो तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 अ स्टडी ज्वाइंटली ऑथर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इनवामेंट प्रोग्राम यूएनईपी एंड रैप वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम तो ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है वो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं पहली तो यू है यूनाइटेड नेशंस इन्वयमेंट प्रोग्राम एंड द सेकेंड वन इज रैप वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम ये एक यू के की एक बेसिकली एक एन है तो इन लोगों ने मिल के जो रिपोर्ट तैयार की उसी में इन्होंने बताया है कि एक बिलियन मील्स जो हैं वो हर दिन वेस्ट हो रही हैं उसमें से जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका है वो हाउस होल्ड्स का है एट द रेट सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट पे उनका जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है बाकी फिर जो इस चीज़ से कैसे कैसे हम लोगों को बचना है या जो मील्स uh, बच जाती हैं उनको कैसे हम लोगों को प्रॉपरली यूज़ करना है यूटिलाइज करना है जस्ट टू रिड्यूस द फूड वेस्टेज जो अलग अलग स्टेप्स हम लोगों को लेने हैं ठीक है अभी क्या है कि एक जो आर्टिकल है या न्यूज़ है ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है अब ये न्यूज़ किस चीज़ से जुड़ी हुई है तो ये न्यूज़ जुड़ी हुई है तो जो बहुत सारे डिटें डिटेंशन लॉज हैं इंडिया में उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभी एक रिसेंटली जजमेंट आया है उस जजमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी डिटेल में नीचे पढ़ेंगे बट उसका जो मेन हेडलाइन है वो क्या है एडवाइजरी बोर्ड्स हैव टू कंसीडर इफ डिटेंशन इज नेसेसरी और नीडेड इन आइज़ ऑफ लॉ तो जो डिटेंशन किया जाता है क्या उसकी ज़रूरत रहती है डिटेंशन करने के लिए या उसके पीछे कोई हिडन मोटिव होता है कई बार पॉलिटिकल भी हो सकता है कई तरीके के मोटिव हिडन मोटिव होते हैं तो इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करते हुए उसने ये कहा है कि एक चीज़ देखनी होगी क्या वो डिटेंशन नेसेसरी था या नहीं था ठीक है तो इसी को लेकर के एन एडवाइजरी बोर्ड मस्ट कंसिडर वेदर द डिटेंशन इज नेसेसरी नॉट जस्ट इन आइज ऑफ द डिटेनिंग अथॉरिटी बट ऑल्सो इन द आइज ऑफ लॉ सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर एक आ, जो अथॉरिटी है एक एडवाइजरी बोर्ड है सिर्फ उसको लग रहा है कि इसका जो डिटेंशन है वो नेसेसरी है बल्कि उसका जो डिटेंशन है उस पर्टिकुलर इंसान का वो जस्टिफाइड होना चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ मतलब वो लॉफुल डिटेंशन होना चाहिए अब जो ये बोर्ड की बात की जा रही है इस बोर्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 22 टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज टू फॉर्म एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ परसन क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जजेस तो ऐसे लोग उस कमेटी में रहेंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन होगी हाई कोर्ट जज बनने की तो ये एक इसी पॉइंट से रिलेटेड एक मेन रीजनिंग जो कोर्ट uh, ने दी थी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं तो so, ये रीजनिंग क्या दी गई है द रिक्वायरमेंट टू हैव पीपल क्वालिफाइड टू बिकम हाई कोर्ट जजेस वॉज नॉट एन एमटी फॉर्मेलिटी बट अ केयरफुल मेजर टू इंश्योर दैट अ डिटेंशन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट वॉज पुट टू रोबस्ट स्क्रूटनी अब जैसे गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आता है डिटेंशन के लिए तो वो ऑर्डर जो होगा वो पहले बोर्ड के पास जाएगा उस बोर्ड के मेंबर कौन होंगे ऐसे ऐसे पर्सन या ऐसे लोग जिनके पास हाई कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन होती है अब ये जो क्वालिफिकेशन का एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है या ये क्राइटेरिया है मैंडेट है कि उस बोर्ड में हाई कोर्ट जजेस में अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपके लिए क्यों होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड के पास में जब वो मैटर आएगा या वो केस जब आएगा बोर्ड के पास में उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर के कि इसका डिटेंशन नेसेसरी है या नहीं है ठीक है तब जाकर के उसकी एक प्रॉपर स्क्रूटनी हो पाएगी कि वहाँ पे उस बोर्ड में इतने क्वालिफाइड मेंबर्स को बिठाने का फ़ायदा क्या है जब हम उनको प्रॉपरली उनके उनक, उनसे हमें कोई आउटपुट मिल ही नहीं रहा है तो प्रॉपर असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि डिटेंशन होना ज़रूरी है या नहीं है या सिर्फ ऐसा बोर्ड को लगता है कि डिटेंशन किया जाना चाहिए या वो जस्टिफाइड भी है उस पर्टिकुलर इंसान का डिटेंशन ठीक है अब हम लोग एक अब हम लोग इसमें एक अ, जो मेन केस था उस पर आते हैं तो ये मेन केस था वो किस चीज से रिलेटेड है तो बेसिकली तेलंगाना से जुड़ा हुआ केस है तो बेसिकली तेलंगाना में एक इंसान था उसको पुलिस ने तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज़ एक्ट 1986 के अंडर में डिटेन किया था और उसको एक टर्म था गुंडा उसको गुंडा बोला गया था ठीक है और फिर पुलिस का ये भी क्लेम था कि द पर्सन वॉज अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर ही वॉज अ कॉज ऑफ़ पैनिक एंड फियर अमंग वुमेन women द एपेलेंट वॉज अक्यूज ऑफ मेकिंग अ हैबिट ऑफ स्नैचिंग द the mangal ऑफ द विक्टिम्स इन ब्रॉड broad daylight ठीक है तो बेसिकली uh, इस तरीके के एक्विजेशन्स थे कि वो मंगल सूत्र चुराता था uh, मतलब लोगों के तो उस तरीके से बताया गया था कि इसलिए वो पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट हो गया है अब इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जस्टिस पारदी वाला सेड इट इट वॉज अनफेयर टू डिनाई सम वन हिज पर्सनल लिबर्टी ऑन अ मेयर हाइपोथिस दैट ही वॉज लाइकली टू कमिट अ क्राइम एज इन द पास्ट विच मे एडवर्सली अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर आप किसी ने अगर पास्ट में कोई क्राइम कर रखा है सिर्फ इसी का एक एजम्पन ले करके उसको प्रेजेंट में आप डिटेन नहीं कर सकते हैं या ऐसा नहीं कह सकते कि उसने पास्ट में ऐसा क्राइम किया है तो फ्यूचर में भी उसके ऐसे क्राइम करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी ठीक है तो इस वजह से भी जो डिटेंशन किया जाता है वो जस्टिफाइड हमेशा होना चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ ठीक है अब इसके बाद जो पुलिस ने एक चीज का डिफेंस लिया था पब्लिक ऑर्डर तो यहाँ पर भी आ, कोर्ट ने यह कहा है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर तो इसमें क्या है एन इश्यू ऑफ पब्लिक ऑर्डर इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी और द पब्लिक एट लार्ज और इवन द कंट्री ठीक है एंड पब्लिक ऑर्डर इज द इवेंट टेम्पो ऑफ लाइफ ऑफ कम्युनिटी टेकिंग अ होल और इवेंट स्पेशल तो जो लॉ एंड ऑर्डर की ये दिक्कत होती है जैसे कई बार आप सब लोग सुनते होंगे कि कई कही सारा कहीं पे कोई दंगा हो रहा है कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो इसमें बोला जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सिर्फ़ एक बहुत ही सेट uh, ऑफ मतलब पीपल होते हैं बहुत ही छोटा तबका होता है लोगों का या बहुत छोटे नंबर uh, में वो लोग होते हैं बहुत कम नंबर होता है जिनको वो अफेक्ट करता है लॉ एंड ऑर्डर बट जो पब्लिक ऑर्डर होता है ये कम्युनिटी एट लार्ज पूरे वर्ल्ड में कई कई बार पूरे इंडिया को या पूरे कंट्री को एज अ होल ये अफेक्ट करता है तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर तो यहाँ पर जो ये चीज़ कही गई थी कि पब्लिक ऑर्डर का ये जो डिस्टर्बेंस है ये जो मंगल सूत्र चोरी करता था आदमी वो पब्लिक ऑर्डर को मतलब वो पब्लिक ऑर्डर के लिए दिक्कत है ठीक है तो ये चीज़ थोड़ा सा देखनी पड़ेगी कि जो पब्लिक uh, ऑर्डर होता है या वो पब्लिक एट लार्ज और कम्युनिटी एट लार्ज को अफेक्ट करना चाहिए तो ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ थी ठीक है अब कोर्ट ने ये भी कहा था इसमें कि ये स्टेट पुलिस के मैकेनिज़्म में तब फॉल्ट है क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट पुलिस के मैकेनिज़म में आता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट पुलिस टू मैंटेन द लॉ एंड ऑर्डर और अगर आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेनटेन कर पा रहे हैं सो जस्ट टू कवर अप दैट यू कैन नॉट डिटेन समवन जो कि जिसका डिटेंशन जस्टिफाइड नहीं है ठीक है तो अब हम लोग आगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे तो अभी हम लोगों ने टीवी से जुड़ा हुआ कुछ स्टैट्स हम लोगों ने पढ़े ही थे अब कल के एनालिसिस में कि इंडिया 2025 तक जो है वो टीवी को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने का सोच रहा है लेकिन अभी इंडिया में जैसी सिचुएशंस चल रही हैं उस हिसाब से देख के अभी बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं उनको यही लगता है कि जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है कि दो तक हम टी को एलिमिनेट कर देंगे ये अभी भी अटेनेबल नहीं लगता है ठीक है अब इस ये अटेनेबल क्यों नहीं लगता है और इसके पीछे के जो रीजंस हैं सिक्स चैलेंजेस उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इन सिक्स चैलेंजेस की वजह से 2025 तक इंडिया को टीबी फ्री करने का जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो अनअटेनेबल लगता है तो वो छह चैलेंजेस क्या क्या से हैं पहला है टी डायग्नोसिस एंड एक्सेस लैक ऑफ एक्सेस टू फ्री क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट स्टिग्मा फ्री एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव केयर इकोनॉमिक सपोर्ट एंड हाई क्वालिटी केयर सो दीज आर सिक्स डिफरेंट चैलेंजेस जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट फेस कर रही है किस चीज़ में टू टू कम्प्लीटली इराडिकेट द टी बी तो टी को इराडिकेट नहीं कर पाने के पीछे के जो छः मेन रीजन्स हैं उनको भी डिस्कस किया गया है कि हम लोग क्यों ऐसा अब 2025 तक नहीं अचीव कर सकते हैं तो अगर हमें 2025 तक इन टारगेट्स अपने इस टारगेट को अचीव करना है सो वी हैव टू वर्क ऑन द सिक्स डिफरेंट चैलेंजेस, जो ये सारे रिसर्चर्स ने या ये या डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ में जो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं हम एक रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023 इंडिया रिकॉर्डेड एन एवरेज ऑफ 199 न्यू इन्फेक्शन इन एवरी 100,000 पीपल इन 2022 एंड uh, एस्टिमेटेड 13 परसेंट ऑफ ट्रीटेड पेशेंट एंड 2.5 परसेंट ऑफ न्यू केसेस ठीक है सो 199 जो न्यू केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इन आउट ऑफ एवरी हंड्रेड थाउजेंड पीपल उसमें से जो थर्टीन परसेंट हैं वो ट्रीटेड पेशेंट हैं मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो पहले ऑलरेडी एक बार डायग्नोस हो चुके थे और टू पॉइंट फाइव परसेंट जो हैं वो नए पेशेंट हैं सो ये एक चीज़ जो है ये हमारे लिए एक जो फैक्ट है या एक नंबर है ये थोड़ा सा काम करने वाला नंबर है या टू पॉइंट फाइव परसेंट कि नए केसेस जो हैं वो हमारे बीच में कम आ रहे हैं ठीक है तो इसी चीज़ को लेकर के था कि हम ये पूरा आर्टिकल जो है बेसिकली इसी चीज़ पर फोकस कर रहा है कि अलग अलग क्या टूल्स एंड टूल्स हैं मैकेनिज्म हैं टेक्निक्स हैं कैसे हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं ठीक है और एक्सक्यूज़ में कैसे हम लोग इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं या हम लोग 2025 तक कैसे इराडिकेट कर सकते हैं टीवी को इंडिया से उन छः चैलेंजेस पे हमें कैसे काम करना होगा बायोसोशल डिजीज़ है मतलब कि हमें इसमें बहुत सारे तरीके के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग चीज़ें होती तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को उन चैलेंजेस को टैकल करना है और 2025 तक जो अभी भी एक फार साइटेड ऑब्जेक्टिव लगता है बट हाँ उसके बावजूद हमें उस चीज़ को कवरअप करना होगा अलग अलग तरीक़ों से द काउंट डाउन टू अ पैंडमिक ट्रीटी अब एक पैंडेमिक ट्रीटी क्या है या पैंडमिक ट्रीटी जैसा ये जो वर्ड है मतलब मोस्टली आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे लोग ये वर्ड ही पहली बार सुन रहे होंगे ठीक है तो so, अभी हम लोग इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में कवर करने वाले हैं सो या इन मार्च 2021 एन ट्वेंटी कॉल फॉर अ पैंडमिक ट्रीटी वॉज इश्यूड बाई ट्वेंटी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज मेकिंग अविटल मूवमेंट इन ग्लोबल हेल्थ गवर्नेस में पोस्ट कोविड 19 जब कोविड 19 uh, की चीज़ें जो थोड़ा सा वो कम हो रही थी तो उस टाइम पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी uh, जो थी ये पैंडमिक ट्रीटी थी उसको साइन करने की बात की गई थी या उसको जो उसका ड्राफ्ट भी था वो तैयार किया जाने लगा था तो पोस्ट 1948 1948 के बाद में ये अब तक का सबसे मेजर इवेंट माना जा रहा है ये पैंडमिक ट्रीटी ठीक है अब इस पैंडमिक ट्रीटी के जो की फ़ीचर्स हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा तो सा जान लेते हैं तो इस पैंडमिक ट्रीटी के की फ़ीचर्स क्या हैं द फर्स्ट की फीचर ऑफ दिस पैंडमिक ट्रीटी इज़ द हु पैंडमिक एग्रीमेंट एम्स टू एड्रेस द सिस्टमेटिक फेलियोर्स रिवील्ड बाई द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस तो कोविड नाइन्टीन जब फैला था पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया गया था तो बहुत अलग अलग तरीके के सिस्टमैटिक फेल्योर हुए थे तो so, उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनको जो है स्ट्रेंदन करना या उनको एड्रेस करना ये इसका पहला फीचर था अब द वर्ल्स फर्स्ट पैंडमिक ट्रिटी एम्स टू स्ट्रेंदन पैंडमिक प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स विद इक्विटी एज द गोल एंड आउटकम ठीक है तो इसका जो uh, एक वन ऑफ द मेन फीचर क्या है कि टू स्ट्रेंदन द पैंडमिक प्रिवेंशन मतलब पैंडेमिक को कैसे हम लोग रोक सकते हैं और उसके, उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना है क्या क्या रिस्पॉन्सेज हैं ये इसका दूसरा फीचर है ठीक है अब जो इसका ड्राफ्ट है वो बहुत सारे अभी तक इसका ड्राफ्ट ही रेडी हो रहा है तो उसका जो ड्राफ्ट है वो बहुत सारी चीज़ें कवर करता है वो क्या क्या है पैथोजन सर्वेलेंस हेल्थ केयर वर्कफोर्स कैपेसिटी सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स क्या है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स बेसिकली क्या है कि जब कोविड uh, 19 फैला था तो अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी वो अपना अपना वैक्सीन लेकर के आई थी तो उसमें लॉजिस्टिक्स की दिक्कत ये आ रही थी कि वो जो वैक्सीन के वायर्ल्स थे उनको एट अ सर्टेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर में रखना पड़ता था अब इंडिया किसी भी कंट्री में अगर सपोज करिए इंडिया भेज रहा है यहाँ से किसी एक कंट्री को uh, वैक्सीन्स भेज रहा है सपोज़ करिए वो कंट्री यहाँ से 9000 10000 किलोमीटर दूर पे है वहाँ पे हमें कम से कम मान लीजिए 10 मिलियन वायल्स पहुँचाने हैं वैक्सीन के और उन वायल्स का हमेशा माइनस थर्टी या माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे होना ज़रूरी है तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आती है कि इतने इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से हमें वैक्सीन्स को यहाँ से वहाँ तक ले करके जाना है दूसरे कंट्रीज़ तक इतने बड़े नंबर में तो वहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं ठीक है तो लॉजिस्टिक्स वाली जो दिक्कत थी वो ये यही बात कर रहा था टेक ट्रांसफर एंड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स एंड द वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सो जो वेवर है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट कहिए या कहिए जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट uh, है इस पूरे ड्राफ्ट का पैंडमिक ट्रीटी का वो यही है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए हैं किस चीज़ में मेडिसन्स में और वैक्सीन्स में तो अगर आई uh, पी या आई पी जो थोड़ा सा अगर उनको वीक कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से जो कंपनीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो इसके लिए इस चीज़ से बचने के लिए कि आ, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया गया वो कॉन्सेप्ट क्या था पब्लिक फाइनेंसिंग का अब पब्लिक फाइनेंसिंग आ, जो थी पब्लिक फाइनेंसिंग से जो गैप था या जो ये गैप हो रहा था आई पी आर लॉस रिलैक्सेशन की वजह से क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को उससे बहुत सारा लॉस होता है क्यों क्योंकि उनके पेटेंट्स और अलग अलग चीज़ें जो उनका है वो पब्लिक हो जाएगा या रिलैक्सड हो जाएगा तो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं उनको लाइसेंस मिलेगा मैन्युफैक्चर करने का सो दैट वे उसकी कॉस्ट जो है वो आउटपुट मतलब उसकी जो कॉस्ट है मार्केट में वैसे भी कम होने वाली है तो जो कंपनी जिस कंपनी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उस प्रोजेक्ट में या उस पर्टिकुलर मेडिसिन या वैक्सीन में तो उसका कैसे फ़ायदा होगा या उसके लॉसेस को कैसे कवर किया जाएगा तो उसके लॉस को कवर करने के लिए ही ये पब्लिक फाइनेंसिंग का सिस्टम जो है इसको लेकर के आया गया है सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सेम आर्टिकल इज़ that the proposed establishment of a conference of parties suggests that the agreement could be a classic international treaty adopted under Article 19 of the WHO Constitution as opposed to the uh, alternative Article twenty uh, one opt out regulation. so अभी ये ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, basically IP पे ही फोकस रहेगी क्यों जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, यूएस ये सब आ, क्यों इसको इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक स्टेप बैकवर्ड बोल रही हैं नॉट अ स्टेप फॉरवर्ड बट अ स्टेप बैकवर्ड तो ये डेवलप्ड कंट्रीज बोल रही हैं बट जब जबकि हु का मानना है कि ये पैंडमिक ट्रीटी जो है पोस्ट 1948 या आफ्टर 1948 ये वन ऑफ द बिगेस्ट या मोमेंटस टाइम है ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम में क्योंकि आईपी लॉस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं या जो हैं फाइनेंसेज हैं उनपे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है ठीक है तो इसके जो मेजर हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तो so, जो पहला कंसर्न है वो है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को लेकर के पी ए बी एस इसको बोलते हैं पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम दैट कंपेल्स कंट्रीज टू शेयर जीनोम सिक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन एंड सैम्पल्स विद हु कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क तो इसमें क्या होने वाला है बेसिकली पैथोजन एक्सीज एंड बेनिफिट शेयरिंग में कि अब जो डेवलपिंग uh, कंट्रीज होंगी वो डेवलप कंट्रीज uh, को उस पूरी डिजीज़ के बारे में अलग अलग तरीके के जो डेटा सेट्स हैं वो प्रोवाइड करेगी अब वो डेटा सेट्स क्या होंगे जीनोम सिक्वेंस इन्फॉर्मेशन होगा ठीक है अब उस और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी डायग्नोसिस थेरापेटिक्स uh, तो अब डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो डेटा शेयर करने के बदले में क्या मिलेगा तो उसके लिए हम उस पर भी देख सकते हैं कि ये जो कंपनीज होंगी या मैन्युफैक्चरर्स होंगे इनको टेन परसेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ चार्ज एंड टेन परसेंट एट नॉन प्रॉफिट प्राइसेस तो ये पी ए बी एस एग्रीमेंट के अंडर में क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी वो बहुत सारा जो डेटा सेट्स होते हैं अलग अलग तरीके के उन डेटा सेट्स को अंडर द पी ए बी एस वो प्रोवाइड कराएगी मैन्युफैक्चरर्स को तो मैन्युफैक्चरर्स को अगर डेटा मिलेगा तो इट विल बी अ क्विड प्रो क्योर सिस्टम कि यहाँ पे मतलब समथिंग फॉर समथिंग कंट्रीज जो होगी वो मैन्युफैक्चरर को डेटा प्रोवाइड कराएगी और मैन्युफैक्चरर बदले में क्या प्रोवाइड कराएगा कि उनको दस परसेंट जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और दस परसेंट जो प्रोडक्ट्स होंगे वो नॉट फॉर प्रॉफिट यानी कि वो सिर्फ जितना उनका कॉस्ट प्राइस है उस पर बेचे जाएंगे ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है अब जो इस, uh, जो प्रपोज टेक्स्ट है इसमें एक रेगुलेटरी बॉडी की भी बात की गई है उसमें रेगुलेटरी बॉडी में एक सेक्रेट्रिएट और बहुत सारी चीज़ें उसको इंक्लूड किया गया है ये मॉडल किस पे बेस्ड है तो दिस मॉडल ऑफ इंटरनेशनल या पैंडमिक ट्रिटी इज़ बेस्ड ऑन यू फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज यू एन का जो कॉन् uh, सिस्टम होता है उसी पे पूरा uh, बेस्ड है ये जहाँ पे हर नेशन के पास इक्वल वोटिंग राइट्स भी होते हैं तो इस पैंडमिक ट्रीटी का होना बहुत ज़रूरी था या मतलब इस पैंडमिक ट्रीटी जैसी चीज़ का एग्जिस्टेंस में आना ज़रूरी था अभी तो इसके ड्राफ्ट पे ही काम चल रहा है बट होपफुली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें इससे सही होनी चाहिए तभी हम ये चीज़ कह पाएंगे दैट वी हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट अब ये जो है आर्टिकल ये फिर है वही चीज़ कि अगर आप डेमोक्रेटली इलेक्टेड अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं अगर आप उनको अरेस्ट करेंगे तो दैट मीन्स दैट यू आर नॉट शोइंग कॉन्फिडेंस अबाउट योर कॉन्फिडेंस इन योर ओन डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड तो इन सब चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो यू है इतना क्रिटिसाइज़ कर रहा है uh, केजरीवाल के अरेस्ट को तो so दैट उसका जो मेन रीज़न यही है कि वो एक पब्लिकली इलेक्टेड पर्सन है अगर आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं बार बार या जो अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं दैट मीन्स सम हाउ यू आर ट्राइंग टू डिफाई द यू नो जिसको जनादेश कहते हैं तो उसको आप लोग डिफीट करना चाहते हैं सो so ये कोल इम्पोर्ट से रिलेटेड uh, आर्टिकल है तो इसका मैं जस्ट आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ कि कोल इम्पोर्ट में जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं तो जैसे जैसे अभी समर्स uh, आ रहे हैं तो उसमें कोल के बारे में हम लोग बढ़ते जाएंगे कोल की शॉर्टेज हो रही है कैसे कैसे क्या हो रही है तो कोल की शॉर्टेज कब होती है दो तरीके की चीज़ें होती हैं एक तो होता है कि कोल के प्रोडक्शन में ही कमी आ गई है दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट है जहाँ पे कोल की जरूरत रहती है बट वो पावर प्लांट ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोल इतना इजीली नहीं पहुँचाया जा सकता है लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है तो ये दो चीज़ें हो गई हैं कि अब मान लीजिए कि वहाँ पे जब कोल पहुँच ही नहीं सकता है तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा वो भले ही कम होगा बट ये एनर्जी का प्रोडक्शन एनर्जी के प्रोडक्शन का कम होना कहीं भी ये नहीं दिखाता है कि हमारे पास कोल का भी जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है ठीक है अब क्या है इसमें चीज़ें क्या क्या उभर के सामने आती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो पावर प्लांट होता है वो वहाँ पे रेलवेज़ का या पोर्ट से वो बहुत दूर होता है तो वहाँ पे कोल पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि इम्पोर्ट की बात भी की जाती है क्योंकि कई बार होता है कि इम्पोर्ट जो है वो जो डेफिसिट होता है उसको ईजिली फुलफ़िल कर सकता है ठीक है अब आप इसमें जैसे एक चीज़ ये लिख भी देख भी सकते होंगे द बट इन सफिशियंट लॉजिस्टिक्स टू मूव द कोल टू पावर प्लांट्स ठीक है इन सफिशियंट लॉजिस्टिक्स जो है वो मेन प्रॉब्लम है कि हम कोल को पावर प्लांट्स तक पहुंचा रहे हैं नहीं पा रहे हैं सप्लाइज ऑफ डोमेस्टिक कोल विल रिमेन कंस्टेंट ड्यू टू वेरियस लॉजिस्टिक लॉजिस्टिकल इशूज एसोसिएटेड विद रेलवे नेटवर्क सो रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए जो रेलवे uh, नेटवर्क्स पे जो डिपेंड हैं कोल पावर प्लांट्स वहाँ पे बेसिकली लॉजिस्टिक्स की दिक्कत आ रही है ठीक है तो ये चीज हम अब इंपोर्ट का क्या इशू है अब इंपोर्ट का ये इशू है द सम थर्मल कोल इंपोर्ट्स टू ब्लेंड विद डोमेस्टिक कोल में रिक्वायर्ड इवन इफ ऑप्शन आर यूज द क्वेश्चन देन इज अबाउट हाउ मच ऑफ इम्पोर्ट्स फॉर विच कोल प्लांट तो ये इम्पोर्ट जो होता है जैसे ये ऑक्शन की भी आप लोगों ने बात की तो ऑक्शन कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी का कोल माइन कहाँ पे है मान लीजिए छत्तीसगढ़ में किसी एक कंपनी का कोल माइन है अब उस कोल माइन के पास में ही जैसे ही कंपनी ने मतलब तुरंत ऑक्शन कर दिया उस पूरे कोल को अब वो छत्तीसगढ़ में जो एक मान लीजिए कंपनी थी अब उस कोल को खरीदा किसने मान लीजिए एनटीपीसी ने छत्तीसगढ़ में आप एनटीपीसी का मान लीजिए कोई एक प्लांट है मान लीजिए मान लेते हैं वो यूपी में कहीं पे है अब मेन दिक्कत ये नहीं है मेन दिक्कत अवेलेबिलिटी की अब नहीं आती अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि मेन प्रॉब्लम ये आती है कि अब छत्तीसगढ़ से हमने कोल खरीद तो लिया कोल इंडिया लिमिटेड से अब एन ये सोच रही है कि हम इसको यूपी तक ले के कैसे आएंगे तो ये जो चीज़ है ये है लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई अब इस आर्टिकल में इससे ज़्यादा जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था कि कैसे कैसे आ, कोल का जो इम्पोर्ट है उसको हमें समझने की ज़रूरत है इसका इसलिए टाइटल भी शायद था अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ कोल इम्पोर्ट्स क्योंकि हर बार जो इम्पोर्ट होता है दैट डजेंट रिफ़्लेक्ट कि वो आपके प्रोडक्शन को कम दिखा रहा है इम्पोर्ट जो होता है वो आपके प्रोडक्शन को कभी भी कम नहीं दिखा रहा है इम्पोर्ट जो है वहाँ इंडिया में इसमें कोल का वो अलग ही रीजन से वजह से हो रहा है तो जॉब आउटलुक रिपोर्ट जो आई थी इंडिया आई एल ओ की एक अभी रिसेंटली उसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कैसे कैसे जो अलग अलग सेक्टर्स से हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह तो इस रिपोर्ट को हम लोग कल ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं This is one important article, and we'll focus on this article now. Measuring internet freedom in India in the last 10 years. For five straight years, India has topped the global list of countries imposing internet bans, with about 60% of all blackouts recorded in the world between 2016 and 2022 having been in India. तो जितने भी टोटल ब्लैकआउट्स हुए थे पूरे वर्ल्ड में 2016 से 2022 के बीच में उसमें 60 परसेंट जो हैं वो इंडिया में ही हुए थे इंटरनेट बैंक जो हुए हैं द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज अ टोटल ऑफ 780 हंड्रेड बिटवीन जनवरी 1 2024 एंड दिसंबर 31 2023 तो एंड अकॉर्डिंग टू डेटा कलेक्टेड बाई सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर शट डाउन फ्लैड अप ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन 2019 अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल थ्री 2019 फार्मर्स बिल इन 2020 so, ये तो ये सारी तो ये इंटरनेट जो शट हुए हैं बिटवीन द पीरियड ऑफ 2014 टू 2000 थाउजेंड बिटवीन द पीरियड ऑफ जनवरी 2014 एंड दिसंबर 31 2023 इसके जो मेन रीजंस थे वो क्या क्या हैं तो इसके जो मेन तीन रीज़न बताए गए हैं वो ये हैं कि uh, 2019 में दो चीज़ें सी ए अमेंडमेंट एक्ट एंड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सेवेंटी देन इन 2020 फार्म्स बिल तो इन सारे प्रोटेस्ट के टाइम जब चल रहा था तो बहुत सारे पावर कट पावर कट सॉरी इंटरनेट शट हो रहे थे अब इंटरनेट शट को अगर हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करके देखें तो डेटा शोज इंडिया शट डाउन ऑफ द इंटरनेट फॉर ओवर सेवन थाउजेंड आवर्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री लोन वी हैव लाइक कंप्लीटली शट डाउन इंटरनेट फॉर सेवन थाउजेंड आवर्स that's a big number because uh, in a day there are 24 hours. so that means that for almost 200 to 220 uh, days there was no internet. now moving on to the next important thing. Uh, the supreme court in the landmark case of anuradha basin versus union of india reiterated that internet shutdowns violate fundamental rights to freedom of expressions and shutdown lasting inde indefinitely are unconstitutional. तो अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो वो इंटरनेट शटडाउन जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होता है और अगर वो इंटरनेट शटडाउन अगर बहुत लंबे टाइम के लिए होता है और या इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है तो वो तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है अब ब्रिटिश एरा लॉ जम्मू एंड कश्मीर द दाइस्ट नंबर ऑफ शट एट फोर थर्टी थ्री इन द लास्ट ट्वेल्व ईयस द लॉन्गेस्ट ब्लैकआउट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टुक प्लेस इन मनी फ्राम मनीपुर फ्राम मे टू दिसंबर एम एथनिक क्लेसेज जो अभी मणिपुर में पिछले साल जो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एथनिक क्लासेज जो चल रहे थे बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स उस टाइम पे बिटवीन मे 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड दिसम्बर टू नो इंटरनेट इन मणिपुर फिर इसी चीज़ को इंटरनेट शटडाउन को कब यूज़ किया गया जब फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे तब उस टाइम पर भी इस चीज़ को यूज़ किया गया था अब इसमें एक जो एक्टिविस्ट है उनका क्या रोल आ जाता है So, uh, अब इसमें क्या है कि एक थ्री पार्ट टेस्ट होता है जिसको बोला गया है बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया बेसिकली थ्री पार्ट टेस्ट को जो इंटरनेशनल लॉ के अंडर में आता है ब्लैकआउट इम्पोज करने के लिए उसको नहीं फॉलो किया वो थ्री पार्ट टेस्ट क्या है सो द थ्री पार्ट टेस्ट इज़ कंट्री शुड चेक ये फर्स्ट पॉइंट है कंट्री शुड चेक इफ़ द एक्शन इज़ प्रोवाइडेड फॉर बाय लॉ परसूज आ लेजिटमेट एम एंड फॉलोज द स्टैंडर्ड्स ऑफ नेसेसिटी एंड प्रपोशनैलिटी कि उस एक्शन uh, के बारे में लॉ में कहीं पर दिया गया है उस पर्टिकुलर एक्शन के पीछे एक लेजिटमेट एम है और स्टैंडर्ड ऑफिस नेसेसिटी एंड प्रपोशनैलिटी को बहुत अच्छे से फॉलो किया गया है ठीक है तो ये थ्री पार्ट टेस्ट था थ्री पार्ट टेस्ट इंडिया नहीं फॉलो करता है ऐसा सारे जो प्रोटेस्टर हैं एक्टिविस्ट हैं उनका मानना है कि ये थ्री पार्ट टेस्ट जो है ये एक इंटरनेशनल लॉ के अंडर में एक सेट स्टैंडर्ड है कि इंटरनेट शटडाउन के लिए इसको फॉलो किया जाना ही ज़रूरी है अब अब, अब इंटरनेट साइट्स के जो ब्लॉकेट्स होते हैं उन पर भी आ जाते हैं उसके नंबर पर भी आ जाते हैं सो बिटवीन टू एंड टू टू इस सात साल के बीच में पचपन हज़ार से ज़्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है यू को ब्लॉक किया गया है और और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं या मतलब इतने जो ब्लॉकेट्स हो रहे हैं इंटरनेट शट डाउंस हो रहे हैं इसके पीछे जो एक मेन रीज़न हमेशा से गवर्नमेंट देती आई है या वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का जो मेन रीज़न देते आई है वो यही देते आई है कि साइबर क्राइम के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं दैट्स वाई वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द सस्पिशियस वेबसाइट्स ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियरली दिखा रही होगी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट uh, कि इंडिया जैसी कंट्री में हमारी जहाँ पे 1.4 बिलियन पीपल रह रहे हैं हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमारी कंट्री में इन ईयर टू मणिपुर स्टेट में देर वॉज़ नो इंटरनेट बिटवीन मे टू डिसम्बर आप लोग जरा इस चीज़ सोच के देखिए कि ऐसा हो रहा है सो दिस इज़ डिस्टर्बिंग बट हाँ फिर गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि दिस इज़ द नेसेसिटी यही अभी हमारी नेसेसिटी है सो टी प्लस जीरो सेटलमेंट जो बेसिकली होता है वो स्टार्ट हो गया सो टी प्लस जीरो सेटलमेंट क्या होता है कि अभी तक टी प्लस वन या टी प्लस टू फॉर्मेट ऑफ सेटलमेंट था वो पॉपुलर था इसमें क्या होता है टी प्लस ज़ीरो में कि टी प्लस ज़ीरो सेटलमेंट में ये होता है कि आपने आज की डेट में कोई मार्केट में शेयर बेचे तो आपको आज ही के दिन आपका पैसा मिल जाएगा मतलब सेटलमेंट में जीरो दिन लगने वाले हैं तो इस टी प्लस ज़ीरो सेटलमेंट का फ़ायदा क्या होगा तो टी प्लस जीरो सेटलमेंट का जो फ़ायदा होगा वो बेसिकली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं या स्मॉल कैपिटल वाले जो लोग होते हैं उनको होगा क्योंकि उनके पास थो, थोड़ा सा पैसा रहता है मार्केट में लगाने के लिए तो बेसिकली वो वो लो लोग क्या करेंगे वो लोगों को जब सेम डे सेटलमेंट हो जाएगा तो उनके पास जो कैपिटल रहेगा उसका इनफ्लो होगा वो क्विकली होता रहेगा सो so, अभी अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है अब इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया क्या किया गया है एक एनर्जी कंसल्टेंसी है वुड मैकेजी उन्होंने बताया कि जो 465 रिफाइनिंग एसेट्स को इन्होंने एनालाइज़ किया है और उसमें इन्होंने पाया है कि 21 परसेंट जो हैं क्लोज टू हंड्रेड जो उसमें से फैसिलिटीज़ हैं रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो बंद होने वाली हैं या तो रिस्क है उन पर बंद होने का ठीक है तो ये भी चीज़ देखनी होगी कि अगर ये रिफाइनरी बंद होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है एनर्जी प्रोडक्शन में व्हीकल इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग तरीक़ों से ठीक है इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है अब आप जो जो रशिया और यूक्रेन का जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी कंपनीज और फर्म्स जो थी वो रशिया का मार्केट जो है वो छोड़ के चली गई थी तो उसकी वजह से उन कंपनीज़ और उन फर्म्स को टोटल 107 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है रेवेन्यूज़ में मूविंग ऑन टू द इंटरनेशनल फ्रंट और इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है इसराइल को कि आप एक अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एड असिस्टेंस को है वो प्रोवाइड करेंगे गाजा में कैसे बाई ऑप्टिंग फॉर सीज़ फायर अब सीज़ फायर को आप ऑप्ट करिए और अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एड को आप गाज़ा में इंश्योर करिए फिर हम लोगों ने कल एक आर्टिकल पढ़ा ही था कि कैसे चाइना जो है वो ताइवान पे अपना सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश कर रहा है और आज हम लोग क्या न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस ने बोला है कि हम लोग डिफेंस सपोर्ट भी ताइवान को प्रोवाइड कराएंगे ये वाली न्यूज़ भी हम लोग कल पढ़ ही चुके थे कि फिलीपींस में चाइना को बोला है कि कि अगर ऐसा कोई एग्रेशन होता है चाइना की तरफ से तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे जो बेसिकली चलता आ रहा है चाइना ने बेसिकली क्या किया था कि फ़िलिपीस की एक शिप थी जो असिस्टेंस लेकर के जा रही थी वहाँ के जो लोग वहाँ के जो मिलिट्री के लोग अल अलग अलग जगह पे अब जिनका डिप्लॉयमेंट है उनके लिए वो मिलिट्री असिस्टेंस लेकर के जा रही थी सपोर्ट सप्लाईज़ लेकर के जा रही थी उस पर चाइना की नेवी ने वो अटैक किया था ठीक है तो यही पूरा जो इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट है वो इतना ही है अब सैम बैंकमैन फ्रेड को क्या हुआ है कि इनको एफ़ टी एक्स क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस में ट्वेंटी फाइव ईयर्स का एम्प्रिजेंट बोल दिया गया है और मालदीव्स जिसके इंडिया से अभी इंडिया और मालदीव्स का बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी तो वहाँ पर अभी क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से बहुत ऊपर नीचे हो गया तो चाइना ने ग्लेशियर वाटर जो है वो भेजा है मालदीव्स को फ्रेंच फ्रांस uh, में एक नया बिल आया है वो बिल क्या है टू सीक बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन हेयर टेक्सचर एंड कलर सो बेसिकली जो हेयर टेक्सचर और कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बैन करने के लिए फ़्रांस में एक बिल आया है इसके बाद स्पोर्ट uh, सेक्टर से जुड़ी हुई या स्पोर्ट्स सेक्शन से जुड़ी हुई को, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हमारे पास है नहीं या इतना इंपॉर्टेंट कुछ हुआ नहीं है तो उसको हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं और इसके साथ जो आज का एनालिसिस वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है और हम लोगों ने जितने भी आज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे उनको कवर किया है और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस uh, की ज़रूरत है तो आप लोग प्लीज़ हमें सजेस्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू थैंक यू